सत्ता और राजनीति कैसे सर चढ़कर बोलती है, इसकी झलक कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बावजूद बिहार विधानसभा के जुनूनी प्रचार में देखने को मिल रही है। संक्रमण का खौफ ना तो उम्मीदवारों में है और ना ही मतदाताओं में, जबकि संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ रही है। सुशील मोदी और मंगल पांडे समेत कई प्रमुख नेताओं का अस्पताल में इलाज चलना स्थिति की गंभीरता बता रहा है। खैर, चलिए एक नजर डालते हैं इस चुनाव में अब तक के सियासी उतार चढ़ाव पर। पहले दौर के मतदान से जुड़े क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान दो पहलू मुख्य रूप से उभर कर सामने आए हैं। एक ये कि सूबे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन शुरुआती बेहतर स्थिति से फिसलकर कड़ी चुनौती में फंस गया है। दूसरा पहलू ये कि आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के महागठबंधन में अचानक उछाल देखा जा रहा है। जैसे कि जाति राजनीति से अलग हटकर रोजगार जैसे बुनियादी सवाल उभर कर सामने आए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी जेडीयू गठबंधन और महागठबंधन के बीच बेरोजगारी वाले मसले पर बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और ये एजेंडा सेट कर दिया है आरजेडी के तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य के 10 लाख बेरोजगारों को स्थायी सरकार नौकरी दी जाएगी। लेकिन जैसा कि चुनावी माहौल में कोई मुद्दा चल निकलता है, वैसे ही बेरोजगार युवाओं ने इसे हाथों हाथ लेकर तेजस्वी की सभाओं में भीड़ बढ़ाई है। उधर बीजेपी पर इस चुनौती का ऐसा गहरा असर हुआ कि इस पार्टी ने भी 19 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का ऐलान कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक तरफ सरकारी नौकरी का वायदा और दूसरी तरफ रोजगार के अवसर का आश्वासन हो तो जाहिर है कि सरकारी नौकरी ही आकर्षण पैदा करेगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की सभाओं में लालू यादव के बनाए मुस्लिम यादव समीकरण से जुड़ी भीड़ के अलावा वह तमाम श्रमिक भी जुटते हैं जो भारी मुसीबतें उठाकर दूसरे प्रदेशों से अपने घर तो आए पर बेरोजगारी झेलने को विवश हुए। हालांकि पिछड़े दलित वर्ग के उन लोगों का रुझान जेडीयू बीजेपी की तरफ ही दिखता है, जिन्हें केंद्र और बिहार सरकार से मदद के रूप में नगद राशि के अलावा मुफ्त अनाज मिले हैं। अति पिछड़ों और महादलित वर्ग से जुड़े मतदाताओं, खासकर महिला वोटरों के बीच नीतीश कुमार का असर अभी भी है। बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच कश्मकश से भरी हुई सीधी टक्कर वाली चुनावी तस्वीर उभरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।